संरक्षण और विकास समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं और मुख्य विकास अधिकारी उसके सचिव और तमाम अधिकारी जो हैं उसके सदस्य हैं। और खजली मेला का आयोजन जो है महोबा संरक्षण विकास समिति तथा नगर पालिका परिषद महोबा के संयुक्त मतलब तत्वाधान में होता है। विशेष रूप से जो महोबा संरक्षण और विकास समिति है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं वो आयोजित किया जाता है। दूसरा जो है तमाम समितियां बना करके पूरे मेले की व्यवस्था नगर पालिका परिषद भी व्यवस्था करती है और महोबा संरक्षण विकास समिति भी, इसमें तमाम समितियां बनाई गई हैं। जैसे कंट्रोल रूम की अलग समिति है, शोभा यात्रा की अलग समिति है, फिर जो है सुरक्षा समिति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इनके बारे में क्या जनता तक मालूम है लोगों को कि ये समितियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, इनको दिखाने के लिए किस प्रकार का व्यवस्था की गई हो? सीधे तौर पर जनता से समितियों से कोई मतलब सरोकार नहीं है। जनता को तो जुड़े गए हाँ, जनता को तो सुविधा अनुसार मेले का किसी भी असुविधा के लिए जनता अगर होती है तो किससे संपर्क करेगा? नहीं, कोई एक कंट्रोल रूम की भी समिति है जिसके समिति के संयोजक पीडब्ल्यूडी के एक सीएन हैं निर्माण खंड के, वो बनाए गए, उनके साथ तमाम अधिकारी हैं, तो एक सीएन साहब से बात कर सकते हैं। वो कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटा चलेगा मेले में जी। तो इसके लिए क्या किसी शासन द्वारा बजट का निर्धारण किया गया या बजट इसका कैसे आता है? नहीं, अभी शासन द्वारा कोई बजट निर्धारण नहीं है। ये नगर पालिका परिषद महोबा जो है अपने बजट में प्रावधान करके तमाम व्यवसायें कराती है। महोबा संरक्षण विकास समिति भी उसमें सहयोग करती है। इसमें एक चीज निकल के आ रही थी कि जो हमारी लोकतांत्रिक विधाएं हैं जिनको हम उस मेले में समायोजित कर रहे हैं उसके साथ साथ बॉलीवुड और सांस्कृतिक नाइट का क्या सामंजस्य है, किस वजह से इसको जोड़ा गया कि हमारी मेन विधाओं को छोड़ करके हम बॉलीवुड में जा रहे हैं? नहीं, जो मेन लोग यहाँ के लोक संस्कृति है, लोक विधाएँ हैं, वो एक आला मंच पर तो हमेशा चलता है। आला मंच एक है, उस पर जो है यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, लोक विधाएँ हैं, उस पर संचालित होता है। ये सांस्कृतिक मंच पर विशेष कार्यक्रम लोगों को मनोरंजन के अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए और मनोरंजन के लिए, क्योंकि एक मेला है तो मेला में तमाम लोग आते हैं, तमाम भीड़ आती है, तो ये सांस्कृतिक मंच से कुछ विशेष कार्यक्रम देने की रूपरेखा बनाई जाती है और आधा मंच पर तो हमेशा चलता रहता है। महोबा के अलावा अगर बाहर से लोग आना चाहें तो उनके लिए कैसे जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या प्रोग्राम्स हैं जो आप उसको जो विशेष कार्यक्रम उसको हम लोग पेपर में भी पेपर में देंगे। हर चौराहे पर डिस्प्ले भी होता है। देखिए पेपर जो अभी आ रहे हैं वो महोबा और हमीरपुर तक ही सीमित रह जाते हैं, बुंदेलखंड स्तर पर नहीं आ रहे। जैसे बांदा में है या चित्रकूट में है जो लोग आ रहे हैं, अगर वो इस तरफ आके देखना चाहते हैं तो उसके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है? पूरे मंडल के प्रोग्राम जाता है, हाँ प्रोग्राम में जाते हैं चारों तरफ, और पेपर तो सबसे अच्छा माध्यम है जी। वैसे हमने सुना है कि शायद इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने, एक ऐसी आईटी के जो छात्र हैं उन्होंने kajalimela.com एक वेबसाइट शुरू करी है जिसके माध्यम से लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? हाँ, पिछले साल भी उन्होंने बनाया था वेबसाइट और कार्यक्रमों का उन्होंने उस वेबसाइट पर डाला भी था, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया था। इस साल भी बच्चे संपर्क किए थे, इस साल भी उनको सुविधा दी जाएगी।